जय हिंद दोस्तों, आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत सी खबर मिस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों भोजनों के लिए जो सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है कि आप लोग योगेंद्र यादव जी को तो जानते ही होंगे। योगेंद्र यादव जी एक राजनीतिक विश्लेषक है और वह स्वराज इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भी है। दोस्तों योगेंद्र यादव जी ने बीजेपी को लेकर एक दावा किया है कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी 100 सीटें खो सकती है, यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जितनी सीटें जीती थी उससे वह 100 सीटें कम जीत सकती है 2019 के लोकसभा चुनाव में। और दोस्तों उन्होंने बताया है कि भारत में मोदी लहर खत्म हो चुकी है और मोदी जी की लोकप्रियता भी घटी है, ये बातें बताई है योगेंद्र यादव जी ने। दोस्तों इस दावे को लेकर आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से। आप लोगों को पता ही होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है यूपी में, और ओम प्रकाश राजभर जी भी कैबिनेट मंत्री है यूपी सरकार में। लेकिन दोस्तों ओम प्रकाश राजभर जी ने बीजेपी को झटका देते हुए एक रैली में कहा है कि उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी 80 सीटों के अंदर यूपी में अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी कि दोस्तों ओम प्रकाश राजभर जी यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। आगे ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि उद्योगपति किसानों से मोटा मुनाफा वसूल रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कहा है जिससे आम आदमी का आर्थिक भार कम हो सके। बीजेपी से नाराज होने के मामले में एक और पार्टी जुड़ चुकी है, वो है अपना दल। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने बीजेपी के राज्य नेतृत्व पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों का सम्मान नहीं करती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को आमंत्रित न किए जाने पर अपना दल काफी नाराज चल रहा है बीजेपी से। अभी काफी देखा जा रहा है कि काफी सारी सहयोगी पार्टियां जो बीजेपी के एनडीए गठबंधन में है वो काफी उनसे नाराज चल रही है। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बीजेपी से नाराज चल रहा है एक और उनका पुराना सहयोगी दल शिवसेना। दोस्तों शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है, और दोस्तों उन्होंने राहुल गांधी की भाषा बोलते हुए कहा कि चौकीदार ही चोर है। और दोस्तों शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर का मुद्दा उछालते हुए ये कहा है कि 30 साल हो गए राम मंदिर का मामला अभी तक अदालत में है, हिंदू भोले है लेकिन मूर्ख नहीं। दोस्तों उन्होंने आगे कहा है कि राम मंदिर को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, इसके बाद साफ हो पाएगा कि कौन एनडीए के साथ है और कौन एनडीए के साथ नहीं है। अब समय आ गया है कि राम मंदिर पर बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, यह बातें कही है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने। दोस्तों मुझे लगता है कि अगर राम मंदिर को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई तो उद्धव ठाकरे भी एनडीए को छोड़ देंगे और महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों उन्होंने एक और बात कही है इस मामले में कि जिस तरह से मिजोरम और तेलंगाना में देखा गया है कि लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताया है, उन्होंने आगे यह कहा है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के लोग भी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर क्षेत्रीय पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताएंगे। उनके कहने का साफ मतलब यह था कि महाराष्ट्र के लोग शिवसेना पर अपना भरोसा ज्यादा जताएंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या शिवसेना पर महाराष्ट्र के लोग भरोसा जताएंगे या नहीं जताएंगे। दोस्तों अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि एक भाजपा नेता एक दिव्यांग को परेशान कर रहे थे सड़क के ऊपर। भाजपा नेता दिव्यांग व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति के मुंह में डंडा डालने की कोशिश कर रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। दोस्तों यह वीडियो बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के संभल इलाके का, जहां अमरोहा से भाजपा नेता मोहम्मद मियां सड़क के ऊपर एक दिव्यांग को परेशान करते हुए दिखाई दिए और उसके मुंह में डंडा घुसड़ते हुए दिखाई दिए। दोस्तों उस व्यक्ति का कसूर इतना था कि वो कह रहा था कि मैं अखिलेश यादव को वोट दूंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। इसी बात से भाजपा नेता मोहम्मद मियां बौखला गए और दिव्यांग को परेशान करने लगे। मेरे पास वो वीडियो है, मैं वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा कि
भाजपा नेता ने दिव्यांग व्यक्ति के साथ किस तरह का बर्ताव किया। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। 2019 से पहले महागठबंधन को एक बड़ा झटका, किसी से नहीं होगा बीएसपी का गठबंधन। जानिए क्या है पूरी खबर। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के लिए तैयार किए जा रहे संभावित गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। एक बैठक के बाद बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में बीएसपी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहती है। वह मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटों पर अकेले अपने उम्मीदवार उतारेगी बिना किसी कोई गठबंधन के। दोस्तों यह बातें बताई है बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम ने। अभी हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में बसपा ने 2 सीटें जीती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, बिना कहीं पर भी मत जाइएगा। भोजन समाज की हर अपडेट पाने के लिए, भोजन समाज की हर न्यूज पाने के लिए, भोजन समाज में क्या क्या चल रहा है सब कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबा दीजिए। उससे ये होगा हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।